नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम काउंटर का दरार डालना सीखेंगे। काउंटर की वीडियो आपने देख ली होगी मेरे चैनल में, नहीं डाली देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसका लिंक देख सकती है और वीडियो वॉच कर सकती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये प्लाई है, प्लाई हमने डाटी हुई है, बाकी ये चीज हमने राइट एंगल में करी हुई है। तो आगे का प्रोसेस आपको हम वीडियो में दिखाते हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं साइज इसका है 5 इंची यहाँ से, तो 5 इंची यहाँ से, तो चौड़ाई है इसकी 15 इंची। तो इस साइज की हमने प्लाई काट लेनी है, थोड़ी सी एक सूत फालतू ही काटेंगे क्योंकि डांटनी भी पड़ती है, कहीं पर दर्ज ना रह जाए। चलो प्लाई काटते हैं। हमने 90 डिग्री का दुनिया घुमा लेना है, यहां से इसको लगा लेना है हमने 5 इंची एक सूत। से निशान लगा लेंगे क्योंकि ये सीधी होती है बिल्कुल। देखेंगे 90 डिग्री, थोड़ा फर्क है दोस्तों, हम इसको बराबर कर लेंगे। रंधे के साइड इसको देखेंगे, राइट एंगल में करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी बिल्कुल बराबर है, यही चीज चाहिए हमें। और टेपर मारेंगे, इसका अगला निशान लगा लेंगे। यहां से इसके बराबर निशान लगा लिया, देखिए ऐसे ही निशान चाहिए हमें। तो इसको फिर से 90 डिग्री का निशान लगाएंगे और इसको यहां से काट देंगे। चौड़ाई बिल्कुल सही है, अब ऊपर की धार मिलानी पड़ेगी हमको। यहां से निशान लगा लिया लगभग इतना जाएगा। तो यहां से लगभग इतना जाएगा, हम मशीन करेंगे इसको।
फिट आ गया। अब इसको हम किलो के सहायता से ऐसे पता कर लेंगे। इसमें एक इंची की कीले लगानी है हमें। आया अंदर बंद कर दे। अंदर बंद है यार। देखिए दोस्तों ये फट्टा हमने लगा दिया है। एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए तो हमने जो अगली फट्टी इसकी लगानी है वो 5 इंची यहाँ पे बता रहा है, पर हमने उससे 2 सूत घट रखनी है, क्यों वो फंसे ना। ये देखिए हमने 4.5 रखनी पड़ेगी, 4 इंची 6 सूत। तो अगली फट्टी लगाते हैं। ये हमने पचर तैयार करी है 4.5 इंची की, ये देख सकते हैं आप। ठीक है तो इसको पहले 90 डिग्री में राइट एंगल करेंगे, फर्क है इसमें, तो उसको निशान लगाएंगे। ये देखिए 90 डिग्री का निशान लग गया। आप इसका कटिंग करेंगे। कभी कोई फट्टी यूज करनी है ना, हमने पहले एक धार देख लेनी है इसकी कौन सी खरीदी है। जैसे इसकी ये वाली धार खरीदी है तो हमने यहाँ से निशान लगा लेना हमेशा, जब बुनी है राइट एंगल यहीं से देखेंगे। ये देखिए यहाँ से फर्क आया तो हमने इस हिसाब से चलना है। ये देखिए अब ये बराबर है बिल्कुल। थोड़ी हमारी प्लाई पीछे से खराब है तो हम इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ से काटेंगे 16 इंची इधर की तो 16 इंची उधर की, 2 16 इंची के पीस तैयार कर लेते हैं। और 16 और यहाँ से 32, हमारे 16 16 इंची के 2 पीस तैयार हो जाएंगे। निशान देखेंगे कहाँ है ये निशान, तो यहीं से दुनिया लगाएंगे यहाँ और यहाँ, तो इसको हम कटिंग कर देंगे। इसको कभी भी यूज करें इसको आधा इंची अंदर ही रखना पड़ेगा। हमें ये आधा इंची की प्लाई है, इसको आधा इंची अंदर रख के ही पक्का करेंगे जब भी करेंगे, क्योंकि कई बार स्लाइडिंग लगानी पड़ जाती है तो बाद में दिक्कत ना है कारपेंटर भाई को।
की लग गई है पहले, ये देख लो बराबर है। इसके आगे हम 90 डिग्री का गुनिया लगाएंगे तभी इसी के बराबर आएगा। चलिए यहाँ से कील मारते हैं। यहाँ पे मार देंगे। इसको घुमा के मारना पड़ेगा। ये देखिए ऐसी पत्थर मैं वहीं पे लगा लेता हूँ दूसरी जगह पे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। देखिए दोस्तों, जो बैक प्लाई का पीस था हमने राइट एंगल में फिट कर दिया है, दोनों पीस दोनों सीरीज के राइट एंगल की है। इसको हम फेविकोल की सहायता से फिट कर देंगे। ये टाइट नहीं होना चाहिए दोस्तों। दराज में बाद में स्मैक कर लेंगे। हम नाप लेंगे 15 एक सूत, बिल्कुल राइट एंगल है। यहाँ कील मार देंगे पक्का कर। दो तीन दोस्तों ऐसी के लिए यहाँ पे मार लेंगे, मेरे को लगा हुआ है। इसी तरह पीछे मार लेंगे। देखिए दोस्तों, दराज हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको पहले कील मार लेंगे आगे। दराज हमारा बन के तैयार है। ऐसे ही आगे कुछ सीखने के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।